देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने तथा 3 राज्यों को भाजपा के कब्जे से छीनकर अपनी झोली में डालते हुए कांग्रेस के सत्ता में आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सदर चौक के तिरंगे से सजाते हुए जमकर खुशियां मनाई तथा आतिशबाजी करते हुए लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। जीत के जश्न में डूबे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत कांग्रेस पार्टी के साथ आम जनता है, विशेष रूप से यूपीए की जीत है। जीत अहंकार एवं घमंड के खिलाफ प्यार व मोहब्बत की जीत है। यह जीत तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत है और यह जीत फिर कापरस्ती पर सेक्युलरिज्म तथा तानाशाहों एवं पूंजीपतियों के खिलाफ गरीबों, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, नौजवानों, छात्रों की जीत है और यही जीत आगामी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की राह में हमवार करेगी। भाजपा 2019 में समाप्त हो रही है, जनता ने यह प्रमाणित कर दिया। 2019 का ये चुनाव माना जाए जिस तरह से माना न जाए, जनता की मानसिकता अब बदल गई है तो ये तय हो गया कि 2019 में भाजपा की सरकार नहीं है। क्या वजह रही हार की? अब बिहार को देख लीजिए, इधर का देख लीजिए, उधर का देख लीजिए, सब जगह जितने लोग गए थे गठबंधन में इन पे मोदी पे भरोसा करके सब लोग साथ छोड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में भी जो लोग हैं वे लोग भी साथ छोड़ रहे हैं। तो इस जीत के बाद भाजपा का वादा खिलाफी, जुमलेबाजी ये पसंद नहीं है। वादा खिलाफी जुमलेबाजी के रूप में हो या इसे हो, ठीक है। अभी गरीबों, बेरोजगारों को सड़क पे ले आने वाली सरकार की कड़ी हार हुई है और इनकी देश विरोधी और जन विरोधी नीतियों की हार हुई है और कांग्रेस से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए 3 हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है। तेलंगाना और मिजोरम क्यों नहीं? देखिए वहाँ स्थानीय और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसका संदेश पूरे देश में नहीं जाएगा। क्या माना जाए जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था जी, क्या वो पप्पू पास हो गया? आज पप्पू पास नहीं, पप्पू बाप हो गया। पप्पू बाप हो गया, पप्पू आज बाप हो गया, पप्पू पापा हो गया। कि जो लोग जनता का खून चूसे, देश विरोधी काम किए और गरीबों का खून चूसे, उन लोगों का बाप बन के आया और अकेले कंपेन अकेले राहुल गांधी ने किया है। आपसे एक सवाल कि ये जी बाप बनाए, ये किसका बाप बनाए? ये राजनीति का बाप, ये राजनीति का बाप हो गया। अभी तक चाणक्य जिनको कहा जाता था, चाणक्य के ऊपर ये आ गया तो उनका बाप हो गया। थैंक यू। पूरी तरीके से धो लिया है, इस खुशी में हम लोग मीठा खा रहे हैं, इसलिए कि देश का व्यापारी बिल्कुल तरीके से त्रस्त हो चुका है। इनके शासन काल थे, इनकी नीति थे, व्यापारी, छात्र, सारे लोग, जितने किसान हैं, दुकानदार हैं, छोटे मजदूर हैं, सारे लोग एकदम बिल्कुल त्रस्त हैं। इसलिए इनके हार पर लोग खुशियां मना रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं इनकी हार पर। एक बहुत बड़ी